मूवी का नाम काला, जो कि 2021 में आई थी, मलयालम फिल्म है और भाई अब आने वाली 2-2.5 मिनट दिमाग खराब कर देने वाली होंगी। फिल्म वैसे साजी नाम के कैरेक्टर के ऊपर, जो भाई कतई नशेड़ी आदमी है, कर्जा कर लेता है, बाप के पास पैसे बहुत है लेकिन बाप उसको नाकारा समझता है तो कुछ देता नहीं। एक वाइफ है, उसका एक बच्चा है। भाई इस आदमी ने हर किसी से पैसे उधारे ले रखे होते हैं और इस आदमी के पास अपने एक काला रंग का होता है कुत्ता। तो साजी भाई अपने घर के नौकर के साथ सेटिंग करता है और प्लान बनाता है कि जब मेरा बाप हॉस्पिटल जाएगा अपने इलाज के लिए तो पीछे से काली मिर्च की 7 बोरियां भर लेंगे, जिससे कि हम क्या करेंगे, अपना सारा उधार पूरा कर देंगे। और उसी दिन एक प्लान और करता है अपनी वाइफ को मायके भेजने का, ये मायके चली जाएगी और ऊपर से जो काली मिर्च की बोरियां हम भर लेंगे और नाम लगा देंगे उन मजदूरों का जो घर पर काम करने आएंगे, क्योंकि भाई घर पर भी काम चल रहा होता है। प्लान हो जाता है सक्सेसफुल, लेकिन साजी है बड़े माइंडेड आदमी। साजी का कैरेक्टर टोमिनियो थॉमस किया है और क्या ही कैरेक्टर किया है भाई। अब साजी पूरे प्लान का जायजा लेता रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे ये हो रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। देन देखता है कि खिड़की से एक वर्कर पानी लेता है अंदर, फिर वो बाहर जाके उसको देखता है तो वो गायब मिलता है वहां से। उसको ढूंढता है तो पता चलता है कि उस वर्कर ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया है। वो वर्कर को 4-5 घुस्से लात मारता, बेहोश करता है, स्टोर के अंदर कर देता है बंद। और पता चलता है कि वर्कर कौन है। तो होता क्या है, ये वर्कर जो है ये वर्कर है ही नहीं, ये कबीले का आदमी है जो सुअर का शिकार करता है और जो साजी है वो पैसे उड़ाता है बम बनाने में ताकि शिकार जल्दी हो, लेकिन ये कबीले का आदमी उससे जल्दी शिकार करता है। साजी खुंदक खा जाता है और मीट में बम डाल के उसके कुत्ते को परोस देता है। बम फटेगा, उस बेचारे का कुत्ता मर जाता है। तो वो आता अपने कुत्ते का बदला लेने के लिए। अब फिल्म में बची है बस लड़ाई। अब साजी उसको बंद करके आता है, दोबारा जाता है तो वो वहां से भाग जाता है। पीछे से फिर करता है साजी के ऊपर हमला, भाई फिर मारता है साजी को बहुत बुरी तरीके से और साजी लगा देता है उसको फांसी। लकड़ी टूट जाती है, वो बच जाता है। साजी उसको फिर बंद कर देता है एक कुएं के अंदर और उसको पता चलता है कि उसकी वाइफ आ गई क्योंकि रोड पर एक्सीडेंट हो गया था, और अपनी वाइफ को घर के अंदर कर देता है और उस कुएं में से उसको निकालने के लिए फिर जाता है कि इसको पूछो तो उसी दिक्कत क्या है। अचानक बारिश होने लगती तो उसको याद आया कि काली मिर्च की जो बोरियां हैं वो बाहर रखी हैं, वो उनको उठाने के लिए जाता है तो उसको देखता है जिस लड़के से लड़ाई कर रहा था वही उठा उठा के बोरियां अंदर रख रहा है। लेकिन भाई साजी भी तो पागल है, साजी भाई उसको फिर मारने लगता है बहुत बुरे तरीके से, लेकिन इस बार वो लड़का भी भाई पूरे तरीके से पागल हो गया है भाई, अति हो लिया और अब वो मारना स्टार्ट करता है। जिस तरीके से सुअर को दौड़ा दौड़ा के मारते ना भाई, उसी तरीके से साजी को दौड़ा दौड़ा कर मारता है। जैसे तैसे करके साजी भाई अपने घर के अंदर घुसता है तो वो लड़का भी घर के अंदर घुसता है और किसी को नहीं मार रहा, वो बस साजी को मार रहा है बहुत बुरे तरीके से, मार मार के टॉयलेट में बंद करता है नंगा करके। जब उसे लगता है कि भाई ये भी कुत्ते की मौत मर गया है मेरे से, तब उसको छोड़कर जाता है, बाहर जाएगा, लड़का नहाएगा धोएगा, उसका काला कुत्ता उठाएगा और चल पड़ेगा। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन कहानी ये सिखाती है कि आम आदमी की जब सनकती है ना तो भाई वो सनका देता है अच्छे अच्छे। और जो लड़का है वो दिल का बहुत अच्छा है तो इसलिए उसके बाप का नुकसान नहीं चाहता था, इसलिए जो बोरी थी काली मिर्च की उसने अंदर उठा उठा के रख दी। लड़के का जो कुत्ता मरा था वो था काला।